एलजेपी के सरबराह चिराग पासवान ने बीजेपी लीडरान को सोच समझकर अल्फाज के इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके साथ ही चिराग ने बीजेपी एलजेपी सरकार बनाने का दावा भी किया। दावे के साथ मैं कहता हूं कि 10 नवंबर के बाद जो सरकार बनेगी वो सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार, बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। देखिए, कोई भ्रम नहीं है, मेरे दिल में है। और क्यों नहीं हो मेरे दिल में प्रधानमंत्री जी? जिस तरीके से जब कोई नहीं खड़ा था, अकेले प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े थे। आप मेरी सोच पर कम से कम कोई ताले नहीं लगा सकता। मैं किस में आस्था रखता हूँ? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदरणीय, वो मेरे दिल में बसते हैं, वो हैं, वो और हमेशा वो रहेंगे। उन्हीं से ही मैंने प्रेरणा लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में लेकर आया हूँ। मुझे लगता है उन्होंने पूरा प्रचार का समय ही सिर्फ इसी चिंता में अभी तक बिता दिया। आधे चुनाव के हम लोग करीब आ गए हैं, जब से आचार संहिता की घोषणा हुई है, उन्होंने पूरा समय सिर्फ इसी चिंता में बिता दिया कि कैसे लोजपा और भाजपा की दूरी दिखाई जाए। निरंतर वन आफ्टर दी अदर बड़े बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री फील करवा रहे हैं कि आप चिराग के खिलाफ बोलिए, आप चिराग के खिलाफ बोलिए। मैं आपके माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस धर्म संकट से मैं मुक्त करता हूं कि मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करें और वो जितना चाहते हैं मेरे खिलाफ आप लोग बोलें। तमाम नेताओं से मैं आग्रह करूंगा, खुलकर मेरे खिलाफ बोलें। अगर प्रधानमंत्री जी भी बिहार में जब रैली करते हैं, वो भी अगर मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें, ज़रूर करें। बस भाजपा के नेताओं से एक आग्रह ज़रूर करूँगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मेरे पिताजी के निधन को, बस शब्दों का थोड़ा ध्यान जरूर रखें। मेरे ऊपर आलोचना करते हुए, नीतिगत मेरी आलोचना करें, पर अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को, पापा हमेशा कहते थे कि पार्टी माँ के समान होती है, बट अगर उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को अगर आप वोट कटवा जैसे शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो दुख मुझे ज़रूर होगा। शब्दों का चयन बेहतर करें, जितनी आलोचना करनी है मेरी खुलकर करें।